أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون कायनात की हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है, मालिक अल्लाह ताला है। इस तरह इंसान इंसान का खालिक, इंसान का मालिक अल्लाह ताला है। इंसान की बका के लिए, इंसान को हयात बाकी रखने के लिए जो कुछ फराहम करके रखे हैं, सब अल्लाह ताला के इख्तियार की चीज़ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रिज़्क़ा यतलुबुल आबदा कमा यतलुबुल मौतु कमा यतलुबु अजलुहु। रिज़्क़ यकीनन रिज़्क़ बंदे का, इंसान का पीछा करते रहती है जब तक उसको हयात बाकी है, उसके साथ उसका रिज़्क उसके साथ चल रहा है। बिल्कुल इसी तरीक़े से हर इंसान पैदा होने के साथ ही उसकी ज़िंदगी का जो आखिरी वक्त है, उस वक्त के पहुंचने तक उसके पीछे पीछे मौत उस लगे रहती है। जब जिस वक़्त उसकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी आती है, मौत फौरन उसको उचक लेती है। बिल्कुल इसी तरह रिज़्क इंसान का पीछा करते रहता है। अलगरस कई चीज़ें तफसील के साथ पीछे गुजरी इस आयत से पहले, उसके चंद नमूने, क़यामत का वाक़े होना क्यों ज़रूरी है, एक अदलो इंसाफ का आयन तकाजा है। सारी चीज़ों के बाद फिर बंदे को जो इस दुनिया का एक हिस्सा बनाया है, लिखा पढ़ा शख्स बग़ैर लिखा पढ़ा हुआ हर कोई मुशाहिदा करता है, नज़र पड़ती है, ज़माने के रद्दो बदल तगैयुरात को देखते रहता है। ये सारी के सारी चीज़ें क्या यूँ ही हैं? इंसान की ग़लती यह है कि इंसान इस पर गौर व फ़िक्र कर नहीं रहा है, लिहाजा उस पर गौर व फ़िक्र की ताकीद फरमाई। इंसान देखता है, गौर व फ़िक्र करता है तो सिर्फ इस कदर करता है, ये कितनी खूबसूरत है, ये कितना अच्छा है, ये इसके अंदर कमाल है, ये बड़ी अजीब चीज़ है। उसकी फ़िक्र यहीं पर आकर अटक जाती है, उसके आगे पहुँचती नहीं। इस सबक को कुरान ने बार बार कई तरीक़े से पढ़ाया है, समझाया है, उस फिक्र को आगे तक बढ़ाओ, उसके खालिक तक बढ़ाओ, उसके मालिक तक बढ़ाओ, फिर अपने वजूद की भी फिक्र करो, उस पर गौर व फिक्र करो, उसके खालिक और मालिक तक आगे पहुँचो। माखब की आयत में था कि देखो ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम फाबुदूहु, ये है तुम्हारा रब जो रब्बुल आलमीन है, जो हर किस्म के हमद व सना का लायक है, यानी हर चीज़ में उसी की इताअत, उसी का कहा मानना है, उसी के मुताबिक जब उसने ज़िंदगी दिया तो उसके मुताबिक उस तरीक़े पर ज़िंदगी को ढालना है, उसके लिए जद्दोजहद करो। और ये जो कुछ करोगे इसका हिसाब व किताब है, दोबारा उठाएंगे, तुम्हारा हिसाब व किताब होकर रहेगा। ये बात बिल्कुल सच है, हक है। आज की आयतों में देखो वही अल्लाह ताला है। जब चाँद को देखे तो अल्लाह को पहचानो, सूरज को देखे तो अल्लाह को पहचानो, चाँद और सूरज की गर्दिश से जो चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं, हो नहीं रही हैं, ज़ाहिर करने वाला कर रहा है, उसको जानो और मानो, पहचानो।
वही अल्लाह ताला है जिसने सूरज को जिया बनाया, उर्दू में तर्जुमा आएगा रोशनी, नूर का तर्जुमा आएगा रोशनी। हर जबान में कई अल्फाज होते हैं, तर्जुमे में एक जैसे दिखते हैं, हकीकत अलग अलग होती है। शम्स को सूरज को उसने ज़िया बनाया, यानी ज़िया वाला बनाया, रोशनी वाला बनाया, और चाँद को नूर वाला बनाया। सादे सीधे तर्जुमे में ज़िया के माने भी रोशनी, नूर के माने भी रोशनी, फ़र्क है। जिसकी रोशनी ज़ाती हो, उसको किसी से मिलती ना हो, वो ज़िया है। नूर जिसको रोशनी किसी से मिलती हो। छोटे साइंस के तालिबे इनको भी बता दिया जाता है, वो इससे वाकिफ है। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, सूरज की रोशनी खुद उसकी अपनी जाती है। अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा कर उसको रोशनी वाला बना दिया, और वो रोशनी दूसरों तक सारी कायनात में उन्हें फैलाता है। चांद का भी वही काम है, लेकिन उसकी रोशनी जाती नहीं है, उसको सूरज से मिलती है, सूरज से उसको मिलती है। और इस रोशनी की तासीर अलग है सूरज की, चांद की रोशनी की तासीर असर उसका अलग है। ये सारे फवायद मखलूक का हिस्सा बनाकर मखलूकात के फायदे के लिए जोड़ दिया, और इंसान के लिए ख़ास तौर पर उसके साथ जोड़ दिया। हर ज़माने में हर दौर में इसकी तहकीक पर इंसान लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। साइंस का शोबा उसी से मुताल्लक काम करता है। साइंस को अरबी में कहते हैं इल्म, साइंस को अरबी में कहते हैं इल्म, उलूम। हर चीज़ की असल हकीकत है क्या, इसका काम होता क्या, इसकी खसूसियत है क्या, किसी भी चीज़ की हकीकत को जानना, उसको कहते हैं साइंस। तीसरी और चौथी जमात की क्लास की एक मरतबा हाथ में साइंस की किताब लेकर देखा, बच्चों के मियार से साइंस वाली क्या चीज़ समझाई जा रही है। उसमें एक पहलू लिखा, घर के बर्तन चिकनाहट लग गई है, उस चिकनाहट को आसानी से दूर करने के तरीके, फला किस्म की चीज़ को लगाकर उसको रगड़ दो, इस तरह साफ हो जाएगी, गोया उसको चिकनाई लगी ही नहीं थी। किसी भी चीज़ की हकीकत यह है क्या, वो है साइंस। अरबी में कहते हैं इसको इल्म। अर्रहमान अल्लम अल-कुरान, खलक अल-इंसान अल्लमहु अल-बयान। इंसान को पैदा कर अल्लाह ने इल्म दिया। इल्म की हकीकत यही है, उस हकीकत का हकीकी फायदे तक पहुंचना। लफ्ज़ है, लफ्ज़ का तर्जुमा जान लिया, उससे कोई ताल्लुक नहीं। वह तर्जुमे की क्या हकीकत क्या है, उस माना की क्या हकीकत है, यानी उसका मतलब क्या है, उसका मफहूम क्या है, उसकी तासीर क्या है, इस तक पहुंचना, वो है इल्म। जब इल्म कहने के बाद कुरान के बारे में तफसील गुजर भी चुकी है, इससे पहले बता दिया।
कुरान वो है, कायनात की हर चीज का इसके अंदर अता पता है, इंतहाई इशारे के साथ, इजमाल के साथ इंसान को बताए। खलकल इंसान मालम या आलम, अल्लाह ने न सिर्फ इंसान को पैदा किया बल्कि जो वो जानता नहीं था वो चीज़ें अल्लाह ताला ने बतलाई, कुरान से बताया, कुरान की वजात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, उसके अंदर इल्म व फिक्र के तौर तरीक़े बताए। वल्लज़ी खलक़कुम मिन बुतून उम्महातिकुम, देखो तो अल्लाह ने अपनी शराफ दूसरी जगह कराया, वही तुम्हारा रब है, तुमको तुम्हारे माओ के पेटों से पैदा किया। ला तअलमुना शैया, जब पैदा हुए तो कुछ भी तुमको मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं जानते थे। खलक़लकुम अस्समा वल बसरा, अब उसके लिए वो इल्म तक कान दिए, आँखें दिए, ज़बान दिए, ये सारी के सारी चीज़ों से वही खालिक कायनात का इल्म हासिल करना है। तो अल्लाह ताला ने, वही अल्लाह ताला है, इसने शम्स को पैदा किया, शम्स को बनाया, किस तरह रोशनी वाला, जिसकी ज़ाती रोशनी है, चाँद को भी रोशन बनाया, चाँद की रोशनी का मुशाहिदा इंसान के लिए रात में, सूरज की रोशनी का मुजाहिरा इंसान के लिए दिन में, फिर इनसे, इनके असर से जो मखलूक़ी चीज़ों में जो असर पैदा होता है वो इंसान, उसका इल्म जानने वाले और उसके फवायद के लिहाज से हर इंसान के सामने है। अब आगे चीज़ें साइंस की, इस जैसी और आयतें हैं सूरह यासीन में भी है, जिक्र कर कर कुल्लुन फी फलकी यसबहून, इसी से मुताल्लिक है कुरान में जगह जगह। साइंस को सिर्फ वो दुनियावी इल्म कहना कहाँ से है, दुनिया की किसी चीज़ से कुरान ने रोका नहीं, उससे जुड़ने का तरीक़ा बताया, गलत तरीक़ा, गलत ढंग को ये दुनियादारी कहा, यह हवस परस्ती कहा, यह आखिरत से गफलत पैदा करने वाला तरीक़ा इख्तियार किया, उसमें अक़ल से काम ले, दीन के साथ जोड़, तुझे रब के साथ जोड़ेगा। इस तरीके से आजकल के जितने भी उलूम, चाहे आप उसको नाम दो साइंस का दो, इंजीनियरिंग का दो, किसी भी चीज़ का दो, टेक्नोलॉजी का दो, किसी चीज़ से कुरान ने, शरीयत ने रोका नहीं। अगर कोई कहता है रुकता है, इतनी बात खुल्ला खुल्ला वजाहत करते हैं आम फहम तकरीरों में, उलूम का सीखने को इस्लाम ने वाजिब लाजिम करार दिया है, पब्लिक को इतना इशारा देते आगे बढ़ जाते हैं, या उलूम से मुराद उलूम दीनिया हैं, उलूम असरिया नहीं हैं, ये ना तमाम ना काफ़ी वजाहत है, ना तमाम और ना काफ़ी वजाहत है। कुरान ने ऐसा नहीं कहा, दीन तो सारी के सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। कुरान जगह जगह कायनात की चीज़ों का तस्करा कर कर उसकी तरफ तवज्जो दिलाता है, जब उसकी हकीकत का अता पता ना चला है तो फिर बताने का मतलब ही फोत हो जाता है, उससे नतीजा निकलता कैसे, कैसे पहुँचना है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता आदमी फिर। तो फन साइंस और साइंसी साइंटिस्ट के बनने की भी तरगीब दिया इंसान को, कुदरत की शनाख्त और पहचान का एक मुस्तकिल हिस्सा बताया, सारे इंसान में इस्तेदाद और सलाहियत बांट दिया, उनके कामकाज को बांट दिए, सारे बटे हुए हैं लेकिन सारी चीज़ें जुड़कर सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, वो एक इन सारी चीज़ों का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, वो वाहदहू ला शरीक है। ये सारे ज़ाहिर कसरत वाली चीज़ों में खुलासा एक एक वहादत है, वही मफहूम है वल अव्वल वल आखिर अज़ाहिर वल बातिन,
जो कुछ जाहिर है कुदरत है, कुदरत का कमाल है, कुदरत का मुजाहिरा है, कुदरत का मुशाहिदा है, रब का दीदार है, रब की मारिफत शनाख्त और पहचान है। ये सब कुछ होते हुए वो सिर्फ एक ही है अलबातिन। वह हकीकी कैफियत का इदराक थोड़ा सा दुश्वार है, नहीं इस तरीके से पहचानने के बाद वो जाहिर है, छुपावा नहीं है अल्लाह तआला। जो नहीं समझ रहे हैं वो बिला खौफ व खतर नाफरमानी पे चले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कद्दरहू, उसका हिसाब किताब मुकर्रर कर दिया। तकदीर, इसका नॉन फॉर्म बनता है तकदीर। हर चीज़ का एक निज़ाम बना दिया, उस निज़ाम से एक पॉइंट भी ना आगे होगा ना पीछे होगा, उसको कहते हैं तकदीर। हु से मुराद सबसे करीब में जो लफ्ज़ है चांद का, चांद के रास्ते मुकर्रर कर दिए, यहू का दोनों की तरफ सूरज का चांद का एक निज़ाम यूं ही बनाकर छोड़ नहीं दिया अल्लाह ताला ने, एक निज़ाम के साथ जोड़ दिया। उस निज़ाम में हकीकत तारीख का था पता अल्लाह ताला जाने खूब जाने, जब से भी बनाया है आज तक उसमें फ़र्क पैदा नहीं किया। इसी चीज़ को वजाहत करते हुए सूरह यासीन में फरमाया ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, इसी के बारे में है वो। यूँ कहो कि इसी की और तफसील है वहाँ पर। तुम्हारे साइंसदान का हिसाब नहीं है, तुम्हारा इंजीनियर के जैसा हिसाब नहीं है, तुम्हारे फलां के जैसा हिसाब नहीं है। ये हकीकी सारे के सारे उलूम रखने वाली ذات खुदावंदी और हर चीज़ की हकीकत को खूब और बेहतर जानने वाली उसकी इंजीनियरिंग है, उसकी साइंस से बनी हुई चीज़ें हैं। क्या कभी किसी किस्म का उसमें फ़र्क पाया तुमने? अभी फ़र्क को समझने के लिए, जानने के लिए उन उलूम से जो वाकिफ़ है वो इससे करीब हो सकता। कुरान को हटा कर खाली वो उलूम से लगा हुआ है, उस उलूम से जुड़े हुए ऐसा मुसलमान जो साइंटिस्ट हो, ऐसा मुसलमान जो इंजीनियर हो, ऐसा इंसान जो दुनिया ही टेक्नोलॉजी की भी चीज़ों से महारत रखता हो, फिर दीन से जुड़ जाता हो, कुरान से जुड़ जाता हो, जुड़ना तो ज़रूरी है। ज़हन को आगे बढ़ाना है, खाली तिलावत का नाम कुरान से जुड़ना नहीं है। इसलिए कि हर लफ्ज़ एक हकीकत को बताने के लिए है, जानने के लिए है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी में वक़्त निकालना पड़ेगा, चाहे किसी से सुनना पड़ेगा, चाहे पढ़ना पड़ेगा, चाहे स्टडी करते रहना पड़ेगा। रोटी रोज़गार पे लग जाने के बाद अपने औकात में से रोज़मर्रा इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा उसको, थोड़ी देर के लिए सही, ताकि इल्म की उस मंजिल पर रहने के बाद कुरान सारे उलूम का सरचश्मा तो कुरान ही है। तो अल्लाह ताला ने उसके रास्ते मुकर्रर कर दिए, चाँद के सूरज के भी, चाँद के सूरज के भी। जब इसको समझने के बाद कुरान की कई आयतों का तर्जुमा जब समझ में आएगा, कुरान में आपको एक जगह मिलेगा रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, कुरान में एक जगह मिलेगा रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, कुरान में एक जगह मिलेगा रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब। कुरान ने कहा कि उस पर समझ पैदा करो तो तुम्हें कोई चीज़ गलत नज़र नहीं आएगी, जहाँ गलत दिख रही है तुम्हारी समझ की गलती है, तुम्हारी फहम की गलती है, तुम्हारी काबिलियत की कमी है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, उसका मतलब वही है, सिर्फ तर्जुमा नहीं है उस तर्जुमा, फिर मतलब, मतलब के अंदर हकीकत क्या है उस पर गौर व फिक्र करो। फिर सूरह मोहम्मद में फरमाया
अफला तदब्बरुन कुरान अम अला कुलूबिन अख़फ़ालुहा, क्यों गौर नहीं करते क्या अपने दिलों को के ऊपर खुफल डाल कर रखे हो। अरबी का लफ्ज़ खुफल जिसको आप लाख कहते हैं वही खुफल की जमा अख़फ़ाल है। अम अला कुलूबिन अख़फ़ालुहा, क्या दिलों के ऊपर बड़े बड़े खुफल ताले लगा के रखे हैं। तालों को खोलो, दिल से काम लो, दिल से समझो तो बात समझ में आएंगी। एक आम जहत के लिहाज से सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है।